समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने सोमवार को पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में अगली बार सपा की सरकार आएगी। आजम खान ने दावा किया, कब तवे से रोटी पलट जाएगी। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हें ठोकरे मारी है, यही खड़े होकर उसी बूट में तुम्हें सल्यूट करेंगे। आजम खान ने सोमवार को रामपुर नगर पालिका परिषद चुनाव में सपा उम्मीदवार के समर्थन पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आजम ने कहा कि अगर अच्छे लोग नहीं बचेंगे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकृति का बदला क्रूर है। रामपुर में नालापुर इलाके में पूर्व विधायक ने कहा, रोटी तवे पर कब पलट जाएगी। देखिए, ये अधिकार उनके साथ है जो सरकार में बैठे हैं। वे अब जानते हैं कि नेता इस सीमा तक मनमानी कर सकते हैं। आने वाली सरकार इससे भी अधिक कर रही होगी, इससे भी अधिक करेगी। आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। देखिए, एक रेखा खींच दी गई है और जब सरकार बदलेगी तो एक लंबी रेखा खींची जाएगी। जब सपा नेता ने भीड़ से पूछा कि लंबी लकीर कौन खींचेगा तो जनता ने आजम खान के नारे लगा दिए। आजम खान ने आगे कहा, जो लोग सोचते हैं कि हमेशा सत्ता में रहेंगे, उन्हें समझना चाहिए कि अगर अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। हमने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी का युग देखा है और जो हुआ वह सब जानते हैं। राजीव गांधी के शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। एक हेलीकॉप्टर हादसे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो वह ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी टूट जाने के बाद भी जीवित रहता है। इस हादसे में वह भी शामिल थे। भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मामलों का सामना करने वाले सपा नेता को बीते साल अक्टूबर में एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। रामपुर की MP MLA अदालत ने उन्हें 2019 के अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 10वीं बार रामपुर सदर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी।